लखनऊ में एमएसएमई सम्मेलन में सीएम योगी ने की शिरकत। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय ने आयोजित किया सम्मेलन। हयात होटल में एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सीएम के सामने ताइक्वांडो कौशल का प्रदर्शन किया। फिट रहने के लिए योग और व्यायाम बेहद जरूरी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिटनेस के लिए हर दिन लगभग 1 से 1.5 घंटे योग व्यायाम और ध्यान करते हैं, जिसकी वजह से वे हमेशा अपने काम को लेकर एक्टिव रहते हैं। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ देवीपाटन मंदिर में की पूजा। गौशाला में गायों को सीएम ने चारा खिलाया। कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद सीएम योगी ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नई सूची जारी की। योगी सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नियोजन विभाग की तरफ से ये सूची जारी की गई। इस लिस्ट में उन मंत्रियों को ज्यादा तवज्जो दी गई जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है। उन्हें 2-2 जिलों का प्रभार सौंपा गया है। इस सूची में बेहतर परफॉर्म करने वाले मंत्रियों को 2 जिलों का प्रभार दिया गया। कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों को भी दिया 2 जिलों का प्रभार, जबकि कई कैबिनेट मंत्री को महज 1 जिले का प्रभार दिया गया। इससे उनके कद और परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सपा सांसद आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक कई मामलों पर रामपुर सांसद फंसते जा रहे हैं। रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है। रामपुर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज किया है। देश भर में बच्चा चोरी की अफवाह अपने चरम पर है। इसी तरीके से यूपी में भी बच्चा चोरी की अफवाह अपने पैर पसारे खड़ी है और इसी के मद्देनजर यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने बच्चा चोरी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि मेरी अपील है अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी दशा में कानून अपने हाथ में ना लें, लोग हिंसा के भागीदार ना बने, कोई जानकारी प्राप्त होने पर 100 नंबर पर सूचित करें। ग्रेटर नोएडा में आईजी मेरठ आलोक सिंह ने किया औचक निरीक्षण। बीटा 2 थाने पहुंचे आईजी आलोक सिंह, पुलिस अधिकारियों के साथ किया बारीकी से निरीक्षण। आईजी के थाने पहुंचते ही थाने में मचा हड़कंप। बैरक हवालात कार्यालय का किया निरीक्षण। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल, दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चेकिंग के लिए रोकने पर ये फायरिंग की गई। मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा भी घायल हुआ। बदमाश रोहित और गंगू के पैर में गोली लगी। 2 तमंचे और 1 कार बरामद की गई। जालौन में एक बुजुर्ग महिला के बैंक खाते से 40,000 रुपए गायब होने से हड़कंप मच गया। पीड़ित महिला को उस वक्त पता चला जब महिला बैंक पहुंची और पैसे निकालना चाहिए। महिला को पता चला कि उसके अकाउंट में मात्र 500 रुपए हैं, जिससे उसके होश उड़ गए। पीड़िता ने इसकी शिकायत कोतवाली में की। पीड़िता ने बताया कि उसका खाता कस्बे के सेंट्रल बैंक में है, जिसमें 46,000 रुपए थे, जिनमें से महिला ने कुछ समय पहले 5,000 रुपए निकाल लिए थे। जब दूसरी बार सेंट्रल बैंक पहुंची तो उसके अकाउंट में मात्र 501 रुपए शेष रह गए। जब मीडिया ने सेंट्रल बैंक कोच के वरिष्ठ प्रबंधक और आर के वर्मा से जानकारी ली तो पता चला कि उसके पैसे बैंक से नहीं निकाले गए हैं, बल्कि फिंगर से पैसे निकाले गए। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में एक बार फिर बच्चा चोर की अफवाह एक युवक को भारी पड़ गई। ग्रामीणों ने मानसिक रूप से बीमार युवक को बच्चा चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने एक बच्चे का हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से ग्रामीण उसे बच्चा चोर समझ बैठे और उसकी जमकर धुनाई की। जानकारी मिलने के बाद तंबौर पुलिस ने मौके पर दौरा किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने पीड़ित को ग्रामीणों के चंगुल से बचाया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भदोही जनपद में तेजी से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गोविंद यादव साइकिल चलाकर मुंबई पहुंचे। लालबाग का राजा देखने के लिए युवक ने जल संरक्षण पर दिया जोर। और जल है तो कल है, जल संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत भदोही से लालबाग के राजा मुंबई तक का सफर साइकिल से किया। पर्यावरण संरक्षक जागरूक अभियान के तहत मुंबई पहुंचा ये युवक। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।